बोनी कपूर ने क्यों नहीं किया बेटी जा वी व बेटे अर्जुन को लॉन्च। बोनी कपूर खुद निर्माता हैं व उनके होम प्रोडक्शन से फिल्मों का निर्माण होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने बच्चों की लॉन्चिंग अपने होम प्रोडक्शन से नहीं की है। फिर चाहे वे अर्जुन कपूर की लॉन्चिंग हो या फिर बेटी जाह्नवी कपूर की, जहां करण जौहर की फिल्म धड़क से लॉन्च हो रही है, तो अर्जुन कपूर ने करियर की आरंभ यशराज बैनर से की थी। इसकी वजह क्या है? जागरण.com ने जब बोनी कपूर से जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि वे पिता हैं, वह पिता होने के नाते वे प्रैक्टिकल नहीं रह पाते हैं। बोनी बताते हैं कि मैंने यह महसूस किया है कि जब मैंने संजय कपूर को लेकर फिल्म बनाई, बाद में अर्जुन कपूर के साथ कार्य किया, तो आपकी प्रयास रहती है कि आप बेस्ट से बेस्ट दें व ज्यादा से ज्यादा उन्हें दें, व इस चक्कर में आप प्रैक्टिकलिटी की बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। तो सही यह होगा कि जैसे अनिल बाहर की फिल्मों से एंट्री लेकर आए, उन्होंने छोटे छोटे भूमिका किए, फिर कन्नड़ फिल्में की, फिर तेलुगु की, मणिरत्नम की फिल्म की, फिर कहां से कहां गुजरते हुए वे हिंदी फिल्मों में आया, तो उसको बाहर का पूरा एक्सपीरियंस मिला। फिर जब अनिल के साथ फिल्म बनाई होम प्रोडक्शन में, जिसमें मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व था, लेकिन बाहर से चूंकि वे पूरी तरह से पॉलिश होकर आया था, तो सब्जेक्ट भी पूरी तरह से कॉम्पैक्ट था, तो पास रहा। फिर संजय के साथ फिल्म बनाई तो हमने 32 लोकेशन में शूटिंग की थी, श्रीलंका, अंडमान गए, जहां भी जा सकते थे गए। तो उससे क्या होता है, पिक्चर चलने या न चलने की गारंटी नहीं होती है, लेकिन ऐसे में पिता या भाई पहले उभर कर आता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पहले बाहर इन्हें अपने आप को तराशना चाहिए, उसके बाद वह आए तो अच्छा होगा। बोनी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा मैच्योर हूँ, उस लिहाज से पैशन तो मेरा है रहेगा, लेकिन जब भी अपने घर के लोगों के लिए फिल्में बनाऊंगा, रेशनल रहूंगा, प्रैक्टिकल रहूंगा,